हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपके एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जो कि यहां पर काफी बेहतरीन नजर आता है बट बिफोर टू स्टॉक के बारे में जानने उसके टारगेट से रिलेटेड जाने उसके फाइनेंशियल से रिलेटेड जाने कंपनी करती क्या उससे रिलेटेड जाने आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि जितना हो सके उतनी बेहतरीन वीडियो हम भी आपके लिए पेश कर दें क्योंकि आप अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और तो कमेंट करेंगे किसी भी तरीके की आप यहाँ एक्टिविटी करेंगे तो इससे क्या होगा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मोटिवेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम इधर अच्छी खासी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपको बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है इस चीज को याद रखिए और यहाँ पर अगर आप हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैंने हमेशा देखा है देखिए जो भी वीडियो आप लोग कम देखते हैं ना वहां पर वो शेयर भागता हुआ दिखाई देता है कल की रेट में यहाँ पर इस वीडियो को बहुत कम लोगों ने यहाँ पर देखा बट अगर हम यहाँ पर देखें तो एक शेयर आठ परसेंट और एक शेयर पांच परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया इसके अलावा ये स्टॉक से रिलेटेड और वीडियो बनाई गई है जाके यहाँ पर देख लीजिए अच्छे खासे शेयर है अच्छे खासे पैसे फ्यूचर में आपके बनते हुए दिखाई देंगे तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स जान रहे थे जिसकी बातें कर रहे हैं फिफ्टी टू वीक लो की बात करें सत्रह को पंद्रह सौ अट्ठासी पर शेयर चलता था अभी एक हजार रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है तो लगभग ये शेयर साढ़े पांच सौ रुपए नीचे डाउन यहाँ पर चल रहा है एक चीज तो अच्छा खासा पोटेंशियल यहाँ नजर आता है आज के दिन की बात करें तो आज के दिन लगभग पचास की डिलीवरी लगभग तेतीस शेयर थी यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए और कुछ पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पर देखिए राइट इशू वगैरह सब चीज लाती रहती है अच्छा खासा डिविडेंड भी यहाँ पर देती है और 63.05 परसेंट के शेयर यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास है जिनमें से कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है तो ये एक पॉजिटिव साइन है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर कंपनी Uh, so, में एक पर बोनस तो 1997 कंपनी यहाँ पर बोनस भी देती है स्प्लिट भी देती है डिविडेंड भी देती है कंपनी काफी यहाँ पर फंडामेंटल साउंड करती हुई दिखाई देती है तो so, सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा नज, नजर आता है और कंपनी का नाम क्या है तो वहां आ जाते है कंपनी का नाम यहाँ पर है बजाज इलेक्ट्रिकल्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि है पर और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ कवर अप करेंगे तो उस चीज को देखते रहिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स की अगर बात करें तो बजाज इलेक्ट्रिकल क्या बनाता है सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आप अपने घर पे यूज करते हैं वो सब चीज यहाँ पर बनाता है वो दिखाई देता है इंडिया नंबर वन आयरन ब्रांड यहाँ पर जो प्रेस होती है वो ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी यहाँ पर और भी कुछ चीजें यहाँ पर बनाती हुई दिखाई देती है यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर देखिएगा ये मिक्सर ग्राइंडर से रिलेटेड यहाँ पर एक कंपनी टाइप में भी, भी दिखाई देती है आपके जो एल होते हैं पर कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है तो कंपनी uh, का जो बिजनेस मॉडल है काफी बेहतरीन है कंपनी अच्छे खासा यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है और जो इनके प्रोडक्ट्स है यहाँ पर इंडिया में आउटसाइड वर्ल्ड में भी यहाँ पर एक प्रोडक्ट्स इनके जाते रहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इल्यूमिनेशन में एक्सपोर्ट्स में ईपीसी में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है तो कंपनी काफी बेहतरीन है एक बार इनकी वेबसाइट पे यहाँ पर विजिट करिएगा तो आपको इनके बिजनेस मॉडल के बारे में पता चलेगी एज वेल एज कंपनी के बारे में भी और भी और बहुत चीजें आपको पता चली। जैसे जैसे ब्रेकफास्ट स्नैक्स से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं कैटल पॉप ऑपर टोस्टर से रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स बनाती है कुकिंग से रिलेटेड गैस स्टोव वगैरह माइक्रोवेव ओटीडी प्रेशर कुकर पैन ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनाती हुई दिखाई देती है मिक्सर ग्राइंडर हैंड ब्लेंडर फूड प्रोसेसर जूसर चॉपर वेट ग्राइंडर होम कंफर्ट की बात करें तो रूम रूम हीटर एयर कूलर आयरन वाटर हीटर यहाँ पर फैंस एंड लाइटिंग और यहाँ पर बहुत सारी चीजें कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है तो ओवरऑल इनके प्रोडक्ट्स अच्छे खासे कंपनी नंबर वन है आप सभी ने यहाँ पर देखी भी अब आप आपके घर में भी यूज होते होंगे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर एक बार इनकी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल की तो मार्केट कैप देखिए ग्यारह हजार छह सौ छियानवे करोड़ मतलब यहां पर कैप की बात करें पैंतीस परसेंट का यहाँ पर डेट भी है कंपनी के पास और तो कंपनी अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर अः नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है जैसे की पंद्रह सौ अस्सी पे शेयर चल रहा था अभी थाउजेंड पे ये शेयर चल रहा है फेस वैल्यू दो की है तो बीच में कभी एक बार स्प्रिट दोबारा हो सकता है ये शेयर यहाँ पर देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न एक चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर अगर देखे बीच में हर्डल्स आते रहते हैं बट ओवरऑल अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है ओके तब आपके पैसे बनते हुए नजर आएंगे स्विंग ट्रेडिंग का नजरिया है तो पैसे बनते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो बीच बीच में ये शेयर काफी अच्छा गिरता हुआ भी नजर आता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर गिरा एक कंसोलिडेशन हुई फिर भागा फिर गिरा फिर एक कंसोलिडेशन हुई फिर भागा फिर गिरा फिर उसके बाद एक अच्छी खासी रैली और रैली के बाद अच्छा खासा यहाँ

कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है मार्केट कैप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कंपनी ओवरऑल अच्छी है रिजल्ट की बात करें क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी के रिजल्ट की तरफ ध्यान दे सकते हैं कि 2018 में यहाँ पर हाईएस्ट एवर्स की सेल्स हुई थी उसके बाद देखें तो एक कंसिस्टेंट यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी कंपनी यहाँ पर यहाँ पर देखे तो यहाँ पर तो पेंडेमिक का असर आया तो पेंडेमिक के, अच्छा पर के बाद अभी की जो सेल्स है है वो हाईएस्ट पर सेल्स आती हुई दिखाई दे रही है तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये ऊपर नीचे इसलिए जाता है क्योंकि कभी इसकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है कभी नीचे आती है क्योंकि इसके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जो की सीजनल यहाँ पर यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये ये भी रीजन है और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो ये भी रीजन इन पर्टिकुलर कंपनीज के साथ रहता ही है नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट है और यहाँ पर जो चीज देखी जाती है वो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे देखी जाती है तो ईयरली बेसिस पर अगर हम देखें तो कंपनी का सेप्टेंबर दो में तिरपन करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार सिक्सटी और यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस करोड़ से यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर तिरसठ करोड़ तो कंपनी ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और उसके शेयर का नीचे आ जाना 200 हंड्रेड डीएमआई से नीचे आ जाना तो अच्छी कंपनी का तो ये इसका मतलब है शेयर दोबारा कभी ना कभी भागता हुआ दिखाई देगा ये और यहां पर बात करें बेसिस पे तो कंपनी का बेसिस पे परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है दो हजार उन्नीस तक अच्छा रहा था। उसके बाद एक, अगर बात करें, एक ही लेवल पर, पर, चलता दिखाई दे रहा है। पर पिछले भागने को तैयार हो और अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी और नेट प्रॉफिट यहाँ पर इसके हाइएस्ट लेवर आते हुए दिखाई देंगे तो और भी, भी बात करें पिछले बारह महीने की तो वो हाइएस्ट लेवर ही यहाँ पर बात करें पिछले पांच साल की तो कंपनी के जो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट लेवल यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा यहाँ पर नीचे आएंगे और रिजर्व देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बोरिंग की बात करें तो बोरइंग यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है कंपनी ने अच्छी खासी बोराइंग यहाँ पर कम कर दी है जो कि इसके पॉजिटिव पॉइंट है क्यों क्योंकि ये पहले कंपनी यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट तो सही अच्छा खासा हो रहा था बट यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ रहा था बट कंपनी ने बोराइंग बिल्कुल यहाँ पर कम करती हुई दिखाई दी है तो यहाँ पर इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है और इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस अगली बार का इंटरेस्ट और कम आता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है इसके अलावा कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो अच्छा खासा है जो भी पैसा आता है ये बुक में दिखाई देता है और यहाँ पर देखे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रोमोटर्स पॉइंट जीरो की होल्डिंग है थोड़ी सी यहाँ पर होल्डिंग हर क्वार्टर में थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है बट बर कोई बड़ी वाली बात नहीं है एस की बात करें तो एफआईएस ने लगातार यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं पांच से सात परसेंट करी सात से नौ करी नौ से दस करी दस से ग्यारह बारह और अभी की बात करें तो लगभग तेरह के आसपास है डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के पास होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही थी बट अभी दो क्वार्टर से लगभग सेम ग्यारह परसेंट के आसपास है पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास भी होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही हो पब्लिक के पास जब कम होती हुई दिखाई देती है ना होल्डिंग तो याद रखिए यहाँ पर शेयर में कुछ ना कुछ होने वाला है थोड़ी बहुत टाइम में तो 22 यहाँ पर, पर यहाँ पर तो 22 से पर पर 13 पे होल्डिंग आ गई है इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो और तेरह परसेंट में भी बड़े बड़े लोगों के पास ही होल्डिंग है तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके चार्ट पैटर्न की तरफ तो ये इसका चार्ट पैटर्न हमें नजर आता है अगर हम यहाँ पर से अभी देखें कि नीचे से अभी तो कितना परसेंट का ग्रोथ यहाँ पर नजर आता है तो लगभग चौवन परसेंट मतलब फिफ्टी फोर परसेंट का यहाँ पर ग्रोथ सीधा साधा यहाँ पर नजर आता है और ये शेयर कितना करेक्ट हो चुका है अगर हम वो भी देख, देखते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना यहाँ पर तो देखिए शेयर लगभग थर्टी फाइव परसेंट यहाँ पर नीचे आ चुका है और मैं आपको हमेशा बताता हूँ जो कंपनी होती है जो ब्रांड होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे खासे होते हैं और अच्छे खासे नंबर यहाँ पर आते हैं तो उसका अगर नीचे आ जाना ओके टू हंड्रेड डीएमए के जब नीचे आ जाती है ना तो उस कंपनी को यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में जगह दे देनी चाहिए थोड़ा सा टाइम का वेट करना चाहिए ओके okay, और वहां पर बायोन की रणनीति अपनानी चाहिए क्योंकि तो जब चीजें निकलती है तो चीजें फिर इस तरीके से निकलती हुई आती है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक साथ ग्रोथ आती है एक साथ यहाँ पर शेयर भागते हुए दिखाई देते हैं तो इस चीज को समझिए अब बात करते हैं रजिस्ट्रेंस की तो यहाँ पर देखिए कंपनी एक बेहतरीन सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है इससे पहले यहाँ पर भी देखिए सेम यहाँ पर दो बार सपोर्ट लिया था इस कंपनी ने इसके अलावा देखें तो इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी लगातार इसी लेवल पर यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था इसी लेवल पर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और इसी लेवल पर यहाँ पर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और यहाँ पर ऊपर के लेवल पर भी इसी लेवल पर यहां पर सपोर्ट लेती हुई नजर आती है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बार बार यही दिखाई दे रहा है यहीं पर ही आता हुआ इसके अलावा आर एस आई की बात करें पैंतीस के आर एस आई की आर एस आई शेयर चल रहा है थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता हो सकता है ओके तो अगर पचास साठ रुपए ये शेयर करेक्ट होता है तो यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं होगी उसे आपको समझना होगा क्योंकि शेयर जो ऊपर ऊपर जब जाना होता है ना तो चीजें और थोड़ी नीचे लाते हैं ऑपरेटर और नीचे लाने के बाद चीजें फिर भगाते हुए दिखाई देते हैं तो ये चौवन परसेंट के रिटर्न की तो मैं बात नहीं करूंगा बट जब इसके रिजल्ट आने होंगे क्योंकि रिजल्ट आने से पहले क्या होता है हर एक कंपनी एक बार भागती जरूर है तो यहां पर अगर भागेगी तो लगभग 28 तक का यहां पर गेन आपको मिल सकता है ट्वेंटी थर्टी परसेंट का तो इसके लिए पहला टारगेट ये है दूसरा टारगेट ये और जब ये तो कोई और ये राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखाई देगी और अगर अच्छे रिजल्ट आ गए तो ये टारगेट ना आपका तीन से जनवरी और फरवरी तक ही शायद अचीव हो जाए क्योंकि फॉरनर्स का पैसा दोबारा आना शुरू होगा इस चीज को याद रखिए और काफी लोग यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर की लेवल पर फंसे हुए हैं तो इस चीज को भी ध्यान में दीजिए अच्छा खासा पोटेंशियल पर नजर आता है बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो देखिए और लास्ट तक देखिए जितना हो सके हम सपोर्ट करिए जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे और अगर हमसे कांटेक्ट करना है नीचे कांटेक्ट नंबर है आप हमें वहां पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस